स्टार किचन, दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों। अल्लाह सुबहान ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें और कोशिश करें ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम माश और चने की दाल, यानी माश की छिलके वाली दाल और चने की दाल बना रहे हैं। ये दो दालें मिक्स करके बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसके साथ उबले हुए चावल हो या पराठा हो, ये भी बहुत मज़े का लगता है। इसका बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। चलें जी, अब तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 कप चने की दाल है जिसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छी तरह से ये भीग चुकी है, इसको साफ़ सुथरा कर लिया है। और 1 कप ये माश की छिलके वाली दाल है, ये भिगोनी नहीं है वरना छिलके इसके उतर जाएंगे। उसी वक्त इसको धो के साफ करके तो गर्म पानी में डालना है। और इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने फ्रीज किया हुआ था, इसका मैं लिंक शेयर कर दूँगी, देख लीजिएगा, ये इसमें जाएगा। और मसालों में 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और लास्ट में हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया की पत्तियां जाएंगी इसमें। और वीडियो फुल देखिएगा ताकि आपको पता चलता जाए कि तड़का किस तरह लगाना है और किस तरह ये तैयार होगी। और यकीन करें ये बहुत मज़े की बनती है, आप बनाएंगे तो आपका बार बार दिल करेगा बनाने को। सबसे पहले हमने एक पतीली में 2 लीटर पानी उबलने के लिए रखा हुआ था, पानी उबलने के करीब करीब है, उसमें बबल्स बने हुए हैं। अब इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। पानी में जब उबाल आ जाए फिर आपने चने की दाल इसमें डाल देनी है और ये छिलके वाली माश की दाल, याद रखिएगा इसको बिल्कुल भिगोना नहीं है, धो के उसी वक्त इसको साथ ही डाल देना है। ये भी इसमें चली गई। अब इसके साथ नमक मिर्च और हल्दी, ये भी इसमें चली गई। जब ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए अब इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पकनी शुरू हो जाएगी जब ये दालें भी ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं, तो फिर इसको मीडियम फ्लेम करके छोड़ देंगे। ये पकती रहेगी, जब अच्छी तरह से गल जाएंगी फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ किस तरह ये रेडी करनी है। अब देखते हैं, दाल गल चुकी है। देखिए काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है, 45 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। देखिए दाना हाथ से ये टूट रहा है, अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसको हैंड मिक्सर से अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। हैंड मिक्सर से अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। आपने अगर थोड़े से दाने दाल के साबुत रखने हो तो साबुत रख लें, अगर पूरी तरह इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है तो अच्छी तरह से पूरी तरह इसको ग्राइंड कर लें। दाल तो हमारी रेडी हो चुकी है, अब तड़का लगाने की बारी है। देसी घी से मैं तड़का लगाऊंगी। 4 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है और ये मेल्ट हो रहा है। 1/2 प्याज मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है, लाइट गोल्डन करेंगे इसको। प्याज गोल्डन हो चुका है, ये गोल छोटी लाल मिर्ची हैं, ये भी अब इसमें ऐड करेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है देसी घी की, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा तड़का लग चुका है दाल को। अब इसमें गरम मसाला भी जाएगा, सब्ज़ धनिया की पत्तियाँ इसमें जाएंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माश और चने की पंजाबी स्टाइल दाल बनकर तैयार है। तड़के वाली दाल बनी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, सिंपल और आसान तरीका और खाने में बहुत ही मज़ेदार। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वाइट राइस के साथ एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।